सरफराज अहमद मा मुकाबला इंजमाम किसकी होगी जीत, ये सारा सिनेरियो क्या है आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरफराज अहमद को अहम सीरीज से कबल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल ड्रॉप कर दिया गया है, जिससे सरफराज अहमद कतई तौर पर खुश दिखाई नहीं देते। वो चाहती है कि अगर मुझे मैच नहीं खिलाना तो ना खिलाओ, मुझे टीम के हमरा लाजमी भेज दो ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, टीम के अहम फैसले में रहनुमाई कर सकूं, अपना हिस्सा डाल सकूं, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी है। इस वजह से मुझे टीम से दूर ना किया जाए, टीम के फैसलों में शरीक किया जाए, टीम की मीटिंग में शरीक किया जाए, मुझे मैच ना खिलाओ, रेस्ट दे दो, लेकिन मुझे मुतहदा अरब इमारात लाजमी लेकर जाओ। इस हवाले से इंजमामोला का मौक़ बिल्कुल उल्ट दिखाई देता है, मुख्तलिफ दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आई। जब इस हवाले से मोइन खान से सवाल किया गया तो मोइन खान ने बताया कि किसी तनाज़े से बचने के लिए सरफराज अहमद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजा। अलबत्ता उन्होंने सरफराज अहमद को रेस्ट देने की हमायत की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरफराज अहमद के मौकफ़ की तायद की, सरफराज अहमद के मौकफ़ की हमायत भी की कि सरफराज अहमद को रेस्ट दे दो, मैच ना खिलाओ, लेकिन टीम के हमरा लाजमी भेज दो, टीम के फैसलों में शरीक हो सके, ताकि वो यानी जब टीम के हमरा जाने का मकसद ही यही हुआ कि ताकि टीम के फैसलों में शरीक हो सकूँ, अपनी रहनुमाई कर सकूँ। वर्ल्ड कप करीब है, वर्ल्ड कप मैंने कप्तानी करनी है, अपना उसमें हिस्सा डाल सकूँ, ये सरफराज अहमद का मौकफ़ है। लेकिन इंजमामुल्लाह का मौकफ़ बिल्कुल उलट दिखाई देता है। इंजमामुल्लाह का कहना था कि अगर सरफराज अहमद को भेज दिया जाता है तो शोएब मलिक और कप्तान कोच आज़ादाना फैसले नहीं कर पाएंगे, फैसला करने में मुश्किल होगी। कुछ हद तक उनका मौकफ भी ठीक है, लेकिन सरफराज अहमद को फिर रेस्ट नहीं करवाना चाहिए था। अब ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद को पीसीबी की जानिब से एक वीडियो बनाकर एक बयान लिखकर दिया जाएगा, ताकि वो वीडियो में वो बयान पढ़कर सुना सके, यानी अपने अल्फाज में उस बयान को तब्दील करके अपने अल्फाज में बोले, यानी बयान सरफराज अहमद को दिया जाएगा लिखकर, और सरफराज अहमद उस बयान को मीडिया पर लेकर आएंगे, अपना मौकफ उस बयान की शक्ल में अख्तियार करेंगे। लेकिन मेरी ओपिनियन ये भी यही है कि सरफराज अहमद को रेस्ट देना बिल्कुल भी नहीं बनता था। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद इजवान को शामिल करना एक घटिया तरीन फैसला है। मोहम्मद इजवान को शामिल करके अब क्या करना चाहते हैं? अगर खुदा ना ख्वास्ता सरफराज अहमद वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होते, उनको इंजरी हो जाती है, तो मोहम्मद इजवान तो बदतरीन चॉइस होंगे, क्योंकि आजकल के दौर में जो विकेट कीपर होता है उसमें बैटिंग करने की सलाहियत भी लाजमी होनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद इजवान में सलाहियत बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। इस वजह से अगर सरफराज अहमद को रेस्ट देना था तो कामर अकमल को शामिल करना चाहिए था। मोहम्मद इजवान से बेहतरीन चॉइस थे। मोहम्मद इजवान किसी तौर पर भी वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती, किसी तौर पर भी जगह नहीं बनती। ये घटिया फैसला है मोहम्मद इजवान को शामिल करने का। सब्सक्राइब कीजिए एसएम कासिम यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।